राज्य के लोगों को लड़ना है, व्यवस्था हुई तो उसके तहत तो लोग जीत कर चले जाते हैं। तो सरकार में चाहे व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका, जिसकी मैंने चर्चा की, वहां तो आपके लोग चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही दो जगह सरकार नहीं हुआ करती, सरकार सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद और एक अन्य मार्ग में ही नहीं है, सरकार आपके बगल में जो हाई कोर्ट है एक संस्था, उसमें भी सरकार हुआ करती है, हाई कोर्ट में भी सरकार हुआ करती है और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हुआ करती है। भाइयों और मित्रों, जो संख्या है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में उस समय व्यवस्था दी, उसका आंशिक रूप से पालन हुआ, जिसके चलते आपके लोग कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, सरकार में तो चले जाते हैं उस रूप में, लेकिन जो तीसरी सरकार है और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि सबसे मजबूत सरकार है, वह है न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस न्यायपालिका में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक वहां जो सरकार है उसमें आपकी भागीदारी नहीं हो पाई, नहीं भागीदारी हो पाई। भाइयों और मित्रों, जैसा कि हमने कहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान का अक्षर से यदि पालन हो गया रहता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। संविधान में इस बात की व्यवस्था है, जिस तरह से कलेक्टर की बहाली के लिए ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस के बड़े अधिकारी एसपी की बहाली के लिए ऑल इंडिया पुलिस सर्विस, उसी तरह से जज की बहाली के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की व्यवस्था संविधान में की गई। तो हाई भाइयों और मित्रों, कलेक्टर साहब तो उस व्यवस्था के तहत बहाल होते हैं, एसपी साहब तो उस व्यवस्था के तहत बहाल होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठी हुई सरकार है उसके जो सदस्य हैं उस व्यवस्था के तहत बहाल नहीं होते। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आप गिनती से गिन सकते हैं, अपवाद के रूप में कभी कभी दलित भाई कोई जज बन जाते होंगे, कोई ओबीसी से कोई जज बन जाते होंगे, यहां तक कि महिलाओं की संख्या भी वहां नगण्य होती है, नहीं होती है। यही कारण है, अगर बाबा साहब के संविधान के अनुकूल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना हो गई होती तो जिस तरह से विधानसभा में, विधान परिषद में आपके लोग हैं, सरकार के कार्यपालिका में आपके लोग हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हो सकते हैं। और हमने कहा जो नीचे का कोर्ट है, बिहार सरकार के अंदर का जो कोर्ट है, जो जिला में कोर्ट है, बिहार सरकार उसके लिए कानून बनाने का काम करती है, उसके क्षेत्राधिकार में यह बात आती है। नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार में यह बात थी तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया और जो नीचे का कोर्ट है उसके लिए हर तरह से सब लोग उसमें जाएं, इसकी व्यवस्था बिहार की सरकार ने किया। लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में यह बात नहीं आती है, उसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। तो हम आज की तारीख में हम कहना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मुकम्मल अर्थ में, चाहे हम जितनी लड़ाई लड़ लें, चाहे हमारे लोग जितने पार्लियामेंट में जीत कर चले जाएं, चाहे सरकार में चले जाएं, कार्यपालिका में चले जाएं, जब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक वास्तव में अन्याय रहित व्यवस्था जिसकी कल्पना कभी की थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आज की तारीख में हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, इस दिशा में भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, यह हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। भाइयों और मित्रों,